नमस्कार साथी, मैं मसीस और आप देख रहे हैं मेरे ये अपना चैनल दो कदम। आज के वीडियो से बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूटीआई का कॉर्पोरेट आईडी कैसे ले पाएंगे, जिसकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। वैसे तो बहुत सारे सीएससी बीएलई भाई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके मन में भी कई सारे सवाल चल रहे होंगे। उनको ये लग रहा होगा कि यार आयुष्मान कार्ड हमारे सीएससी आईडी के माध्यम से भी तो बन जाते हैं। जी हाँ, आपके सीएससी आईडी के माध्यम से भी बन जाते हैं। वैसे तो मेरी भी सीएससी आईडी है, जिसके माध्यम से मैं भी बहुत सारे आयुष्मान कार्ड बनाए, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या फिर हमारा दिन ही खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप आयुष्मान कार्ड बनाने बैठते होंगे तो सर्वर खत्म हो जाता है। कई बार ये भी होता होगा कि आपका टेक्निकल एरर, जैसे कि डिवाइस वगैरह में भी काफी सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे K100 वाला, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को यूटीआई कॉर्पोरेट आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो आसानी से बन भी जाता है और इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाता है। तो वही तरीका बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आईडी ले पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, यार बहुत सारी वेबसाइट भी तो आयुष्मान कार्ड बना रही है और फ्री में बनाती है। मैं आपको बता दूं, जब आप फ्री में बनाते हैं, फ्री में अप्लाई करते हैं, तो उसे अप्रूवल होने में काफी लंबा समय लगता है। अगर आपके पास आईडी है और उसके माध्यम से आप बनाएंगे तो आपकी आईडी इंस्टेंट एक्टिवेट भी हो जाएगी और अप्रूवल भी हो जाएगा जिसका आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जैसे कि यूटीआई कॉर्पोरेट आईडी हो गई या फिर सीएससी बीएलई की सीएससी आईडी हो गई या फिर सेतु की किसी के पास आईडी है या फिर स्वास्थ्य विभाग की आईडी है या फिर किसी के पास ऑपरेटर आईडी है, तो उसके माध्यम से भी आप आसानी से बना पाएंगे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी आईडी है, जैसे अगर आप चाहें सेतु की आईडी लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी। वैसे तो आप आयुष्मान की ऐप के माध्यम से बना सकते हैं, यानी ऑपरेट आईडी के माध्यम से बना पाएंगे। वैसे बहुत सारी है, आरोग्य सेतु के माध्यम से बना सकते हैं, उसके भी आप आईडी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं इन सभी तमाम आईडी लेना चाहें तो उनके सभी के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल होते हैं, तो उन सवालों को आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब इंस्टेंटली दे पाऊं। ओके, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं गांव का डोरा, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि आपको आईडी कैसे लेना है, यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यूटीआई कॉर्पोरेट आईडी लेने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आयुष्मान आईडी रजिस्ट्रेशन। आपको आयुष्मान कार्ड बनाने वाली आईडी लेनी है तो आपको इस फॉर्म को पूरा का पूरा फिल करना है। सबसे पहले पूछा गया है नाम, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और माता जी का जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा। इसके बाद मांगा गया फोन नंबर, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो आपका ऑलरेडी हमेशा यूज करते हैं वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करिए। इसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आईडी, आपको कौन सी आईडी लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ आईडी क्रिएट, तो कौन सी आईडी आपको क्रिएट करनी है। सेतु की आईडी लेनी है तो उसका कॉस्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जो भी उसका रेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे ही यूटीआई का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो उसका भी कॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे यूटीआई का जो रिटेलर आईडी होता है, जिसके माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, तो उसकी कॉर्पोरेट आईडी का जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑपरेटर आईडी का भी यहाँ पर आपको कॉस्ट देखने को मिल जाएगा कि कितने रुपए में ऑपरेटर आईडी आपको मिलेगी, तो वो सारी की सारी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी के सारे जो आईडी हैं वो हैं आयुष्मान की। ये मत समझना कि कोई पैन कार्ड की आईडी तो नहीं दे रहे हैं, नहीं, ये सारी की सारी आयुष्मान कार्ड बनाने वाली आईडी हैं। आप इनका इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद जो रेट है यहाँ पर, उसी रेट को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद नीचे आपको एक यूटीआर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यूटीआर या फिर ट्रांजैक्शन आईडी, तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जब आप पे कर देंगे तो यहाँ पर आप यूटीआर नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है आधार कार्ड का जो फ्रंट एंड बैक साइड होता है डॉक्यूमेंट, तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। वैसे यहाँ नीचे आप देखेंगे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड की भी फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है, बिल्कुल क्लियरली खींच लेना है। ओके, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पर एक मेल आ जाएगा, किस तरीके का मेल होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो अपना मेल को ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो मेल है फॉरवर्ड मैसेज में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये सारा कुछ आपको लाइव दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये फॉरवर्ड में इसलिए है क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दूसरे सिस्टम में बना रहा हूँ, इसलिए मुझे इस मेल को फॉरवर्ड करना पड़ा। लेकिन जो फॉरवर्ड की गई चीज़ें हैं वो रियल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेन्युइन तरीके से।
यहाँ पर फॉरवर्ड मैसेज नीचे आप देखेंगे फॉर्म noreply.ecard@utitsl.com और डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जनवरी का मैसेज है और सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं UTIITSL PMJAY ई-कार्ड प्रोजेक्ट। ओके नीचे आप देख सकते हैं किस वाले मेल पर आया था वो भी यहाँ पर मेंशन है gaonkatuta@yahoo.com। ओके ये मेरा प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे इस वाले मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ओके नीचे आप देखेंगे कुछ इसी तरीके का मैसेज आएगा जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा का पूरा भरेंगे और जो भी पेमेंट मांगी जाती है वो सारा का सारा पेमेंट करेंगे तभी आपके पास इस तरीके का मेल आएगा। यहाँ पर आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है वेलकम आशीष कुमार परते, तो आपका नाम होगा यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको हाईलाइट अक्षरों में कॉर्पोरेट ऑपरेटर आईडी आपको मिलने वाली है जो कि आप प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का काम कर सकते हैं, वही आईडी यूटीआई जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस एग्रीमेंट नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, एग्रीमेंट नंबर आप यहां पर देख सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे हाईलाइट अक्षरों में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक ऑप्शन मिलता है, इसी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, नीचे आप देखेंगे प्लीज नोट द अबाउट लिंक इज वैलिड फॉर 72 आवर्स ओनली, मतलब 72 घंटों तक ही ये जो लिंक है वैलिड है। जब आपके पास मेल आए रजिस्ट्रेशन करते समय तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आपका ये जो लिंक है ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि मेल में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, इस चीज़ का आप श्योरली हो जाइए। चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सिंपली आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला ऑप्शन है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके से नया टैब ओपन हो जाएगा और आपको पहले स्टेप में पीसीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। इसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके ही बनवाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो इस विषय में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से विजिट करके आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वाकई में मालूम हो जाएगा कि पीसीसी सर्टिफिकेट मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है ऑनलाइन, या फिर आप ऑफलाइन वाला भी अपलोड कर सकते हैं जाकर आप अपने पुलिस थाना चौकी वगैरह जहां भी है आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन वहां जाकर आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लिखित वाला बनवा सकते हैं जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो सकता है। लेकिन मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और मेरा बहुत ही जल्दी बन गया, तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड भी कर देता हूँ और जो अपलोड करेंगे वो फॉर्मेट का साइज वगैरह क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम अलाउ जो साइज है 250 KB, मतलब 250 KB की साइज में आपको अपलोड करना है, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए मैं PCC सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ओके ओपन, और यहाँ पर मैं कर दिया क्लिक अपलोड और ये फाइनल तरीके से अपलोड भी हो गई। अब हमें सेकेंड स्टेप में कह रहा है प्लीज अपलोड योर आधार, आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है। सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे अपना आधार, लेकिन ध्यान रखिएगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों ऐड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। इसे भी मैं ओपन करके अपलोड कर देता हूँ। फाइनल तरीके से मैंने दोनों चीज़ें अपलोड कर दी है। अब हमारा तीसरा स्टेप होता है, वो है OTP ऑथेंटिकेशन, मतलब ये कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना लिंक है उस वाले नंबर पर OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को एंटर करना है, तो सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कन्फर्म। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म को आपको पूरा का पूरा फिल करना है, जो भी डिटेल आपको इस फॉर्म में मांगी जाती हैं वो सारी की सारी जेन्युइन डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल ऐड पहले से होती हैं, उसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी ही ओनली ऐड है सेल्फ रजिस्ट्रेशन में, बाकी जानकारी यहाँ पर ऐड नहीं है, वही जानकारी हमें यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले वाले स्टेप में पूछा जाता है एग्रीमेंट नंबर या फिर एम्प्लॉयर कोड, तो ये नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, जो UTI की तरफ से मेल आया है ना ये है एग्रीमेंट नंबर, इसी को मैंने कॉपी कर लिया है जो कि आपके ईमेल पर आता है और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएंगे, देखना है मैंने बाहर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ डिटेल फिल हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेट वगैरह, एग्रीमेंट का ड्यूरेशन टाइम वगैरह, ईमेल आईडी पहले से ही था और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, कॉपरेटर आईडी कौन सी आईडी है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक, यूज़र का टाइप आ गया है। लेकिन यहाँ पर आपको यूज़र नेम कहता है, यूज़र नेम का मतलब ये होता है यूनिक होगा और जो पहले कभी यूज़ भी नहीं हुआ होगा
वैसा वाला यूजर नेम आपको यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन यूजर नेम का मतलब पता है, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में यूज करते हैं बिना स्पेस वाला नाम, या फिर यूट्यूब वगैरह में आप यूजर नेम, फेसबुक वगैरह में करते हैं ना, वैसे एक यूनिक यूजर नेम आप यहाँ पर अपना चुनिंदा ऐड कर लीजिए, अपना नाम या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम डालूंगा WASHISH आशीष, ओके, और यहाँ पर कर देता हूँ 123, ओके, ये यूनिक यूजर नेम हो गया। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बिना स्पेस वाला नाम होना चाहिए। मैंने अपने एड्रेस में जो भी डिटेल मांगी गई थी वो सारा का सारा ऐड कर लिया है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑपरेशनल प्रेफरेंस में। यहाँ पर अपना अपना ही एड्रेस डालना है, जो वर्तमान पता है वही ऐड करना है। यहाँ पर सिंपली ऐड करके ऐड कर देना है और आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपका आवेदन जो है परफेक्टली तरीके से सबमिट हो जाएगा और आपको एक मैसेज शो कर जाएगा, सक्सेस यूअर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली यूजर आईडी। यहाँ पर आपका जो यूजर आईडी होगा ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है यूटीआई का कॉर्पोरेट आईडी के लिए आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसेसिंग बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कॉर्पोरेट आईडी का, तो वो सारा का सारा लैंडिंग प्रोसेसिंग आप समझ गए होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपके रिप्लाई में कमेंट सेक्शन में जरूर देने वाला हूँ। और इसके अलावा कोई दूसरी आईडी लेना है, जैसे कि आरोग्य सेतु की आईडी लेनी है, या फिर ऐप के माध्यम से बनाया जाता है उसकी ऑपरेटर आईडी लेनी है, या फिर आप यूटीआई का PSAID जो कॉर्पोरेट आईडी होती है वो भी आप ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाली आईडी भी लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा संदेश आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार।